देखो सर, दिस इज अ प्रोग्राम, जस्ट सी, दिस इज अ प्रोग्राम राइट। से आई एम एट प्रेजेंट इन दिस लाइन, आई एम एट प्रेजेंट इन दिस लाइन, मतलब प्रोग्राम का ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा था। इसमें हर एक सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, जैसे MVR, जैसे मूव, ऐसा बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है। मैंने अभी ए जगह में था, हमको ए जगह के बाद हम मान के चलो 3 लाइन हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो ये 3 जगह छोड़ के मैं इधर से इधर जंप करना चाहता हूं राइट। माई क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल? यस सर। तो इसको हम लोग जाम बोलेंगे। कोई कोई रीजन के वजह से ये 3 इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, तो इधर से हम इधर जाम करेंगे, तो इसको हम लोग जाम बोलेंगे राइट। क्लियर टू ऑल? यस सर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जंप? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जंप? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जंप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जंप, राइट डाउन टाइप्स ऑफ जंप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जंप, वन इज कॉल्ड कंडीशनल जंप एंड अनदर इज कॉल्ड अनकंडीशनल जंप। One is called conditional jump, another is called unconditional jump. Is it clear? Yes. One is called conditional jump, another is unconditional jump. नाम देख के क्या पता चल रहा है? बोलो, कंडीशनल जंप, अनकंडीशनल जंप, कंडीशनल जंप एंड अनकंडीशनल जंप, नाम देख के क्या पता चल रहा है पहले बताओ। सर कंडीशनल के लिए कुछ कंडीशन होगा, जैसे अगर ये हुआ तो वो जंप होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा, उस टाइप। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अनकंडीशनल में सर उसके लिए कुछ कंडीशन नहीं होगा, मतलब हमको करना है तो करना। राइट, रियल लाइफ एग्जांपल सर, जैसे क्लास में बहुत देर हो चुका है, 10 बजे से क्लास है, 10:15 हो गया है, तो तुमको अभी घड़ी के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा कितना मतलब स्टेप्स तुम जंप करोगे। Yes? 10 से कम है तो एक एक सीढ़ी करके चलोगे, जंप नहीं करोगे। 10:15 हो गया तो दो दो सीढ़ी जंप करके जाओगे राइट। यस सर। तुम्हारा थर्ड ईयर में, मान के चलो तुम लोग अभी सेकेंड ईयर में हो, तो तुम लोग सेकेंड ईयर में जो जो 10 पॉइंट मिलेगा, 10 पॉइंट मिलेगा, 10 out of 10, उसको हम लोग डायरेक्ट फोर्थ ईयर में बिठाएंगे, थर्ड ईयर पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो इफ योर नंबर इज 10 पॉइंट, सो यू विल बी जंप टू द फोर्थ ईयर, अदरवाइज सर। अदरवाइज क्या होगा? थर्ड ईयर में ही रहोगे राइट। पास करोगे तो थर्ड ईयर में रहोगे, मगर 10 पॉइंट मिलने से तुमको फोर्थ ईयर में, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल जंप राइट। तो सर मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा कि नहीं? अभी आने वाला है उसका, अभी उसका आने वाला है। मान के चलो पिछला सेमेस्टर में एग्जाम हुआ था, मिड सेम हुआ था। यस सर। क्या हुआ था सर? मिड सेम हुआ था सर। मिड सेम छोड़ो, सेमिस्टम हो तो सर लोग नंबर ज्यादा ज्यादा दे देते हैं, हम नहीं है, दूसरा सर बहुत अच्छा है, तुम्हारा बहुत सारा अच्छा अच्छा टीचर है, हम नहीं देते हैं, पहले ही बोल दिया। लास्ट सेमेस्टर में सर एग्जाम नहीं हुआ था। एग्जैक्टली सर,
सो ये कोई कंडीशन नहीं था, अनकंडीशनल जंप, सबको पास करा दिया. इज इट क्लियर और नॉट? सबको प्रमोट कर दिया, मतलब जो था सेकंड ईयर में वो सब चलाया थर्ड ईयर में, मान के चलो सेमिस्टर में जो था फिफ्थ सेमिस्टर में सारा के सारा चले आया सिक्स सेमिस्टर में, किसी को फेल फिज कुछ नहीं हुआ. मगर फेल होना चाहिए था. क्यों फेल होना चाहिए था? क्योंकि एग्जाम होता था कुछ ना कुछ फेल करता था. मगर दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल जंप. ए कोई कंडीशन मतलब रिजल्ट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तुमको सिक्स सेमिस्टर में दे दे रहा है. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अच्छा अभी क्या बोल रहा था, मिड सेम होगा कि नहीं? कौन बोल रहा था? साइलेंट क्यों हो जाता है? हमारा क्लास ऐसा अच्छा नहीं लगता है, हम नहीं पढ़ाएंगे तो फिर. सर पूछ रहे थे बस. हाँ पूछ रहा था, पूछने के अभी अभी क्या हम तुमको डांटेंगे? क्या होगा पूछने से, क्या प्रॉब्लम है? पूछ ही सकते हो. हम कुछ कभी बोलते है, हम मजा करता है यार, कुछ नहीं. एग्जाम पता नहीं है तुम लोग का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कराना है जल्दी कराओ, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत आगे बढ़ रहा है. तुम लोग का नंबर कम मिलेगा, जितना हो रहा है उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा. जब एग्जाम होगा उसी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे. तो तुम्हारे लिए धीरे धीरे टाफ होते जाएगा. हमारे लिए क्या है, और हम तो तुमको पता ही है, हम ओपन बुक क्वेश्चन से करेंगे. तुम कोई भी जगह में देख लो, मतलब गूगल में सर्च कर लो, चाहे किधर में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा. मतलब क्वेश्चंस कैसे होगा, बहुत ही इजी होगा. हाँ या ना? नो सर. तो तुम लोग अभी से पढ़ाई शुरू करो और उसको ये करो. देखो एक दो सब्जेक्ट तो तुमको पढ़ना है बाबा पक्का, नहीं तो बीटेक करके कोई फायदा नहीं है. चाहे तुम गवर्नमेंट जॉब में जाओ चाहे किसी में जाओ, जब इसके बाद में वाला स्टेज में जाओगे ना, जब यू आर द पेरेंट्स देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. जब तुम्हारा बच्चा आके और तुम्हारा बहन आके तुम्हारा भाई आके बोलेगा दादा तुम तो इंजीनियर किए हो तो इसका क्या होगा, कुछ बोल नहीं पाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा. कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो पढ़ना ही होगा, चाहे तुम्हारा कितना भी बड़ा इंडस्ट्री है, तुम नौकरी नहीं करना चाहते हो, उसके बाद भी हमारा सब्जेक्ट तो पढ़ना होगा. हम तो छोड़ने वाला नहीं है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तीन चार साल यही एग्जाम देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई विल बी देयर. मतलब समझ गया ना? तीन चार साल सर यार लाख यही सब्जेक्ट देते जाओगे. जो क्लास नहीं कर रहे हैं, हमको पता नहीं है कैसे वो लोग कर पाएगा, हम देखेंगे. आई विल बी सी एवरीवन. ओके लेट्स गो टू द यू नो हाउ मेनी कंडीशनल जंप एंड हाउ मेनी अनकंडीशनल जंप इज देयर. सो हेडिंग करो कंडीशनल जंप. जितना सारा मैंने लिखाया उधर उतना सारा लिख दो. क्या शुरू होगा इधर से? जेसी, जेएनसी, लास्ट होगा जेपी, जेएम. कर पाओगे ना? यस.
कंप्लीट। नेक्स्ट इज अनकंडीशनल जंप। नंबर वन कॉल, नंबर टू जंप, ओनली जंप, बोथ आर अनकंडीशनल जंप। ओके, इसके छोड़ के, ये छोड़ के और भी आठ कंडीशनल जंप है, और भी आठ कंडीशनल जंप है। जितना सारा लिखे हो सिर्फ जे विल बी रिप्लेस्ड बाय सी, सिर्फ जे विल बी रिप्लेस्ड बाय सी, लाइक सी सी, लाइक सी एन सी, लाइक सीपीओ, लाइक सीपी, लाइक बोलो और सीजेड, सीजेड, वेरी गुड, लाइक सीएनजेड, सीएनजेड, लाइक सीपी, सीपी एंड लाइक सीएम। These all are the name is jump on carry and the name is call on carry. That is the different. Call on carry. This is jump on carry. This is call on carry. क्या difference है? I will be discuss later on. Okay? Is it clear? Yes, sir. तो जंप मान के चलो कोई किसी के ऊपर कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ऑलवेज जंप इनटू द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, नो कंडीशंस, नथिंग, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? सो लेट्स गो। अच्छा, whatever I am discussing the last year, flag register, you just see only every flag registers have two jump instructions, right? Like CY is JC, CY is JNC, am I right? Har ek ka do do karke jump hai. Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. But आपने एक को भूल गया लिखने के लिए, वो है auxiliary carry AC. Yes or no? Yes, sir. Remember one thing, is a very very common questions to everyone, and it's a very silly questions, that only one flag registers which you know the which you cannot check directly, it can be check indirectly, isko tum directly check nahi kar sakte ho, to isiliye iska koi JAC, JNAC aisa kuch instructions nahi hai. Baki sare ke liye alag alag kya jump, you know, conditional, iske upar depend karke isko hum log check kar sakte hai, we have a instructions, but for auxiliary carry flag we doesn't have any kind of instructions. It will be checked indirectly. It will be checked indirectly. We cannot check directly. Is it clear? Yes, sir. How it will be checked? How it will be checked? It will be checked by a instructions called DAA. Called DAA. Auxiliary carry flag will be checked by DAA. Decimal adjusted accumulator. Whenever I will be discuss these instructions, I will be explaining. Okay. Is it clear? Clear. Sir, क्या बोलो? Decimal. Decimal adjusted accumulator. Is it clear to all? Yes, it is clear to you? Yes, sir. Very good. Next,
So basically, next I will be explain the functions of JC, JNC like that. What are the functions of JC? What are the functions of JC? Jump on carry. Jump on carry. Instructions क्या होगा सर? Instructions मैंने दे दिया Google Classroom में देख लेना. JC 16 bit address. JC 16 bit address. तुम बोलो तो एक कितना byte का instructions है? बोलो. टू बाइट. कैसे टू बाइट होगा सर? एग्जाम्पल देंगे तो कैसे होगा इंस्ट्रक्शंस? 16 बिट एड्रेस मतलब 8500 H लाइक दैट. छठ पूजा का पहले जो मैंने बताया था सब छठी महीना मैया में लेकर चला गया क्या? मतलब फेस्टिवल के साथ. कुछ तो बताओ. सर थ्री है? थ्री सर थ्री. कैसे थ्री? कैसे थ्री सर? वो देख के बता रहे हो क्या पुराना कॉपी चेक करके? झूठ मत बोलना हमको. या सर कॉपी पीछे पलट के देखे. मतलब इतना फेस्टिवल में तुम लोग बिजी हो गए हो, तुम लोग ये सारा भूल गए हो. देखा इतना इजी करके मैंने बताया था पिछला दिन. अच्छा जो भी है क्यू थ्री बाइट है बोला था मैंने. बोलो क्यू थ्री बाइट है. क्योंकि इसमें 16 बिट का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसीलिए. 16 बिट का इंस्ट्रक्शन है? नो सर, नो सर, इंस्ट्रक्शंस नहीं है. मैंने एक टर्म बोला था सर. बोलो कोई दूसरा. सिक्सटीन बिट का मेमोरी कैपेसिटी? नो अरे बाबा, कोई इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैंने बोला था 16 बिट का नंबर रहेगा, 16 बिट का डेटा रहेगा, 16 बिट का एड्रेस रहेगा, कुछ भी रहेगा 16 बिट डेटा. मतलब ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस. 8 बिट डेटा इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ मतलब 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस. देयर इज अ नो डेटा, नथिंग, ओनली इंस्ट्रक्शन इज देयर, देन इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. इज इट क्लियर? यस सर. ये इंस्ट्रक्शंस में 16 बिट का है. 16 बिट क्यों? इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, हर एक के लिए चार चार बिट मिलेगा तुमको. हर एक के लिए चार चार बिट मिलेगा, तो चार चार ये सब सारा ऐड करके कितना आएगा? आएगा 16 आएगा. बोलो. यस सर. तो बेसिकली तुमका तुम्हारा इंस्ट्रक्शंस में 16 बिट एड्रेस, 16 बिट डेटा, 16 बिट कुछ भी रहेगा, सो इट्स अ कॉल 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. एंड नेक्स्ट इज जेएनसी. जेएनसी के बाद क्या होगा? वो भी 16 बिट एड्रेस ही होगा. हर एक के बाद 16 बिट एड्रेस. तो इसका क्या होगा? इफ कैरी फ्लैग इज 1, इफ कैरी फ्लैग इज 1, देन जंप दिस मेमोरी लोकेशन, जंप टू द दिस मेमोरी लोकेशंस. इसमें क्या होगा? इफ कैरी फ्लैग इज 0 मतलब रीसेट, देन
जे एन सी के बाद मान के चलो मैंने दिया 8627, तो 8627 एच मेमोरी लोकेशंस में जंप करेगा इफ कैरी फ्लैग इज जीरो। अच्छा जे एन सी लगाया और कैरी फ्लैग वन है तो क्या होगा? जंप नहीं होगा एग्जैक्टली। जैसे तुम्हारा 10 पॉइंट नंबर नहीं होगा तो तुम लोग सॉरी 10 पॉइंट नंबर होगा तभी तुम लोग फोर्थ ईयर में जा पाओगे, 10 पॉइंट नंबर नहीं होगा तो तुमको थर्ड ईयर में पढ़ना है, राइट? यस सर। तो बेसिकली जेएनसी मतलब कैरी फ्लैग जीरो होने से जंप करेगा, जेसी मतलब कैरी फ्लैग वन होने से जंप करेगा, जेसी मतलब कैरी फ्लैग वन होने से जंप करेगा, जेएनसी मतलब कैरी फ्लैग जीरो होने से काम करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर रिपीट इट वंस अगेन। यस नो इश्यूज। जेएनसी जेसी फुल फॉर्म जंप विद कैरी मतलब कैरी फ्लैग वन होने से ए इस मेमोरी लोकेशन में जंप करेगा। If carry flag is one, then jump to that particular memory locations only. मगर JC लगाया और carry flag reset है, तो क्या होगा? Jump नहीं करेगा, next instruction में आ जाएगा। हम अभी example के साथ program में आ रहा है, right? Is it clear? Sir, जब carry flag one होगा उसी case में मतलब ये होगा। उसी case में jump करेगा। चल। तुमको मान के चलो उल्टा केस चाहिए, कैरी फ्लैग सेट ना होने से जंप करना है, तब क्या लगाना है तुमको? जेएनसी लगाना है, कैरी फ्लैग जीरो होने से जंप करेगा। देखो मान के चलो जेएनसी 8627 दिया, कैरी फ्लैग जब जीरो होगा तब 8627 में जंप करेगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा पिछला दिन मैंने क्या प्रोग्राम कराया एक तो बोलोगे? कोई एकदम डिटो बोलो। हमने कुछ प्रोग्राम समझाएंगे नहीं, जस्ट उसका एक मेमोरी लोकेशन से हम प्रोग्राम लिखेंगे। बोलो राइट असेंबल लाइन प्रोग्राम। ना क्वेश्चन ना सिर्फ आंसर चाहिए। आंसर हाँ, जो प्रोग्राम लिखा था बोलो ना, एलडी एसटीए क्या लिखा था? सर एलडीए 8500H, वेरी गुड। एमओवी D, A डी डी कोमा एलडीए 8501H एसटीए 8600H हो गया सर। HLT ऐसा था, तुम लोग एक पेज बोला था हेक्स कोड, वो है तुम्हारे पास? कोई नहीं रखे हो क्या? हेलो क्या सर? हेक्स कोड चार्ट 786 पेज का, 784 पेज का मैंने बोला था। एक्स चार्ट तुमको जो बुक्स दिया उसका 784 और 786 ऐसा कुछ पेज में होगा।
776 एंड 777 पेज नंबर देखो 776 एंड 777 मिला है देखो मैंने शेयर किया दिख रहे हो यस सर एवरीवन कैन सी दिस वन यस सर वेरी गुड सो देखो तुम लोग को दिखाई दे रहे तो अच्छा पहले बोलो अच्छा मान के चलो ये प्रोग्राम मैंने जो लिखा है कॉपी में ये प्रोग्राम हम 8100 से लिख रहा है कोई भी मेमोरी लोकेशन में लिख सकते हो एक्सेप्ट 8500 8501 एंड 8600 जो प्रोग्राम में दूसरा कोई मेमोरी लोकेशन स्टोर के लिए यूज हो रहा है वो छोड़ के कोई भी मेमोरी लोकेशन में लिख सकते हो ठीक है मगर याद रखना तुम्हारा जो किट है वो किट में तुम एक्चुअली 0000 27FFF ये जो मेमोरी लोकेशंस है इसमें यू कैन नॉट राइट दिस लोकेशंस बिकॉज तुम लोग का है किट ईएसए का किट ईएसए कंपनी का किट ईएसए कंपनी का किट में इस जो लोकेशंस है इसमें रहता है रॉम राइट 8000 2FFFF इस मेमोरी लोकेशंस में यू कैन राइट बिकॉज हियर रैम रहता है Is it clear? Clear to all? Company basis पे vary करता है sir. हाँ company के basis में vary करता है. Sir हमारा एक बना हुआ kit है. Market में मिलेगा Core Technology का नाम में. Core Technology. Right? इसमें मैंने जो किया 0000 23FFF ये portions जो है ये हम ROM के लिए छोड़ा. बाकी जितना सारा है जैसे 4000 2FFFF ये जो लोकेशन है ये हम रैम के लिए छोड़ दिया तो इसमें तुम लोग प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे हमारा किट में ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो मगर ये एंडिंग किधर होगा ये डिपेंड करेगा जो बनाएगा उसके ऊपर अभी बोलो तो ये रॉम में क्या रहेगा क्या रहना चाहिए तुम्हारा कंप्यूटर में एक ओएस रहता है पता है तुमको ऑपरेटिंग सिस्टम राइट इधर में भी ओएस है ये ओएस इधर स्टोर होता है ये जो माइक्रोप्रोसेसर का जो किट है इसका भी एक ओएस होता है जो ओएस ये मेमोरी लोकेशंस में लोड होता है माइक्रोप्रोसेसर का किट अभी तुम लोगों को मैंने दिखा नहीं पाया मैं उम्मीद रखता हूँ जनवरी फरवरी तो सब ठीक हो जाएगा तो हम एक बार हम तो रामगढ़ विजिट करने जाएंगे ही तो तुम लोगों को लैब दिखाएंगे लैब क्या है मगर हमारा इस क्लास के लिए हम लैब भी इधर कराएंगे थ्योरी भी इधर कराएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है नो नीड ऑफ यू नो जैसे सर अभी पेंडेमिक सिचुएशन में लैब कैसे होगा नहीं होगा सब हमारा इधर होगा कोई टेंशन मत लो हमारा इधर सब कुछ होगा लैब भी होगा थ्योरी भी होगा क्योंकि हमारे पास सबका तरीका है इज इट क्लियर हमारा सब्जेक्ट तो हम लैब थ्योरी दोनों कराएंगे फिजिकल लैब हम एक बार दिखाएंगे एक दो बार दिखाएंगे जब हम पैंडेमिक सिचुएशन चला जाएगा तो
इज इट क्लियर टू ऑल सर? जैसे बोले कंपनी में वेरी करता है तो जो एड्रेसिंग रेंज है रोम का तो उस पे कंफ्यूजन होगा ना सर फिर? हाँ, जो तुम किट खरीदोगे ना, असेंबलिंग राइट राइट अब बोलना दो, जो तुम किट खरीदोगे ना, सुन रहे हो? यस सर। जब किट खरीदोगे उसके साथ एक मैनुअल बुक भी देगा, बुक में लिखा हुआ रहेगा किधर से किधर रोम है और किधर से किधर रैम है। नहीं तो तुमको कैसे पता चलेगा तुमको किधर प्रोग्राम लिखना है किधर नहीं लिखना है, राइट? तो तुमको जो तुम किट खरीदोगे किसके किट के साथ एक मैनुअल देगा, वो तो मैनुअल में लिखा हुआ रहेगा जे ये किट का इधर से इधर रोम है इधर से इधर रैम है। रोम में क्या प्रोग्राम रहता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है? तुम्हारा नाम क्या है? बोलो। हाँ सर। तुम्हारा नाम क्या है? समीर। हाँ? समीर सर। समीर, वेरी गुड। समीर, तुम्हारा हॉबीज क्या है? प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग एंड वेरी गुड। दैट्स एनफ। समीर, तुम्हारा कितना भाई बहन है? I have two sister and two brother. True sister and true brother. Very good. समीर, मैंने जो तुम्हारे साथ अभी बातचीत किया ना, this is nothing but ये programming. तुम्हारे साथ हमारा हार्डवेयर कनेक्टिविटी है, मगर ये प्रोग्रामिंग नहीं चलेगा तो तुम्हारे साथ हमारा कभी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। इज इट क्लियर? तुम्हारे बारे में हम जान नहीं पाऊंगा कि तुम क्या है, कैसे हो, क्या करते हो, पढ़ाई करते हो कि नहीं, ये सारा कुछ जानने के लिए तुम्हारे साथ हमारा बातचीत करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट लाइक ए सॉफ्टवेयर, सिर्फ हाथ से हाथ जोड़ दिया मतलब तुम्हारा सब कुछ हो गया, ऐसा मत सोचो। दिस इज अ हार्डवेयर कनेक्टिविटी। इज इट क्लियर? हार्डवेयर कनेक्टिविटी करने के बाद भी सॉफ्टवेयर का कनेक्टिविटी करना पड़ता है। समीर, तुम कितना दिन में मोबाइल खरीदे हो? फर्स्ट मोबाइल कब खरीदे थे? सर 2013 आई थिंक। यस 2013। उसके पहले 2013 में ऐसा नहीं था। 2013 के भी पहले हम जाएंगे तो अभी जो तुम लोग एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो ना, सिर्फ लगाने से हो जाता है। यस और नो? कंप्यूटर में इसका जैक लगाने से ही तुम्हारा कंप्यूटर के साथ इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। मोबाइल में जितना पिक्चर्स है जो है सब तुम कंप्यूटर में देख सकते हो। क्लियर? यस सर। आज के दिन में ऐसा यूएसबी कनेक्टिविटी करके हो गया, मगर पहले जो था ना, पहले एक सॉफ्टवेयर आता था कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करना है तो कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर लगाना है, उसके बाद तुम उसका डिटेल्स देख सकते हो, नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा। तो हार्डवेयर उस टाइम में भी यूएसबी कनेक्शन था, यूएसबी कनेक्शन करने के बाद भी सॉफ्टवेयर एक जरूरत पड़ता था, तो इसको बोलता है हम लोग एक्चुअली मॉनिटरिंग प्रोग्राम। हमारा इधर में जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम और ओएस है वो इस रोम के अंदर रहता है। इज इट क्लियर? अभी वो जो प्रोग्राम है, किसी का बड़ा होता है किसी का छोटा होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा रोम कितना साइज का होगा, मगर 0000 ऑलवेज कॉन्स्टेंट। बोलो तो क्यों? मैंने मेमोरी इंटरफेसिंग के टाइम में बोला था बाय डिफॉल्ट वैल्यू रीसेट कंडीशन, रीसेट कंडीशन प्रोग्राम काउंटर स्टार्ट फ्रॉम 0। थैंक यू, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, थैंक यू। एट रीसेट कंडीशन प्रोग्राम काउंटर सेट एट 0000 एच, दैट्स व्हाई रोम ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0000। ये देखो हमारा जो किट है उसमें भी 0000 एच था, ईएसए कंपनी का जो किट है उसमें भी 0000 एच है। उसका जो प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम है वो थोड़ा बड़ा है इसलिए 7FF तक किया है, हमारा जो प्रोग्राम है वो छोटा है, मैंने छोटा करके कुछ लिखा है तो इसके लिए इसको 3FF तक किया है, इसके अंदर रोम हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? क्लियर टू ऑल? यस। कैन आई प्रोसीड? यस सर, फॉर श्योर। तो हम लोग जो कर रहे हैं अभी, ये प्रोग्राम हमें लिखने जा रहा है,
ये प्रोग्राम हम कोई भी मेमोरी लोकेशन से लिख सकते हैं, जैसे हम अभी इधर लिख रहे हैं 8100 से। सर कौन सा जगह से लिख सकते हैं? 8000 से FF कोई भी मेमोरी लोकेशन से में लिख सकते हैं, एक्सेप्ट 8500, 8501 एंड 8600, बिकॉज ये तीनों एड्रेस जो है ये हमारा प्रोग्राम में इस एड्रेस का जरूरत है, इसमें हम नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर टू ऑल? एवरीवन इज क्लियर टू ऑल? यस सर, सर यस। कोई क्वेरीज है तो बोलो। कोई क्वेरीज है? सर इसमें हेक्स चार्ट का क्या यूज है? सर हेक्स चार्ट का क्या वैल्यू है? हाँ सर हम आएंगे, उसी लिए तो हम खोल के रखे हैं सर, अभी आएंगे सर, उसके बारे में नहीं बोला, अभी बोलेंगे, थोड़ा देर टाइम दो हम बोलेंगे। कंप्लीट सर, हम आगे बढ़े सर। कोई डाउट है अप टू दैट? सर 8100H हाँ, 8100 से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, हम कोई भी लोकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, 8000 से लेकर FF तक, ये तीनों लोकेशन छोड़ के 8500, 8501 एंड 8600, इन तीनों जो प्रोग्राम में यूज हुआ, इसीलिए इन तीनों छोड़ के कोई भी लोकेशन हम यूज कर सकते हैं 8000 से लेकर FF तक, हम 8100 से स्टार्ट किए। इज इट क्लियर? यस सर। कैन आई प्रोसीड? यस सर। सर एक कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है LDA 8500? थ्री टू बाइट बोल रहे हो ना? गुड। कितने बाइट का बोल रहे हो? थ्री बाइट। अभी तो बोला चार डिजिट है मतलब थ्री बाइट होगा, 16 बिट का थ्री बाइट। हाँ थ्री बाइट मतलब ए 8100 में लिखा है तो 8100, 8101, 8102 इन तीनों चाहिए, तो इसके साथ तीन जो ऐड करके जो होगा 8103 में तुम ये लिख पाओगे। समझ में आया कि नहीं बोलो? ये थ्री बाइट का इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए 8100 के साथ थ्री ऐड करके हम इधर बिठाया, क्योंकि इसके लिए लिखने के लिए तीन जगह चाहिए 8100, 8101, 8102, तो 8103 में ये इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? यस सर। सर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ए कितना बाइट का है? टू बाइट। सर COW क्या होता है? टू बाइट कैसे होगा? मैंने तो अभी बोला हम जे ये इस इसमें तुम्हारा कोई भी नंबर नहीं रहेगा तो इसको हम लोग वन बाइट इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे, इसमें 8 बिट नंबर रहेंगे तो 2 बाइट बोलेंगे, इसमें 16 बिट नंबर रहेंगे तो 3 बाइट बोलेंगे। इसमें कोई नंबर है? नो सर। तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस होगा, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लिख सकते हैं 8104H में। ये कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है सर? 3 बाइट सर, वो भी 1 बाइट। ये 1 बाइट? नहीं नहीं वो नहीं सर, ऐड वाला ना, नहीं तो ये तो 3 बाइट है सर। कितना बाइट? तो इधर कितना लिखेंगे? 8107। वेरी गुड, 8107H। इधर क्या लिखेंगे सर? 8108।
इधर क्या लिखेंगे? सर 8111 8111 वाओ इट्स अ ब्यूटीफुल एनीथिंग एल्स सर 8112 8112 तो एक ही क्वेश्चन का देखो दो आंसर आ गया 8111 8112 और कोई कुछ सर हेक्साडेसिमल में तो फिर 11 में सर हम नहीं जानते भाई हम उतना पढ़ा लिखा आदमी होता था थोड़ी तुम लोगों को पढ़ाते थे इतना दिन में ये प्रधानमंत्री नहीं बन जाते थे सर 8111 हो गया और किसी का कुछ बोलने का है ये दो छोड़ के All of you get big zero. क्या होगा? Zero B, yes sir. वही बोल रहे थे. बोलना चाहिए सर. हम सब समझा दिया सर. हमारा और कुछ है नहीं हमारे पास. अभी तुम लोग बोलोगे हम सब सुनेंगे. तुम लोग जो बोलोगे हम उसी को लिखेंगे. 810B. किसी का मन में कुछ doubts है? क्यों हुआ सर कैसे हो रहा है सर समझ सर 8 के बाद क्या होता है सर 8 9 2 ए 9 के बाद 10 नहीं होता है इधर 9 के बाद होता है नहीं होता है 9 के बाद होता है ए आप भूल गए थे 4 बिट का होगा इसलिए उसमें ऐड किया गया 4 बिट देखो मैंने तो सारा में एच बिठाया हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है तो एच क्यों बैठाएंगे इधर में कोई डेसिमल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कोई जगह में तो 8 9 A तीनों इसके लिए जरूरत है तो इसके लिए होगा B तुम लोग जिसके 1 1 आ रहा था मतलब 11 आ रहा था 11 नहीं होगा उसका 0 B होगा समझ गया इज इट क्लियर टू यू Yes. किसी का कोई डाउट है तो बोलो बोलो क्वेश्चन कैसे आएगा सर किसका इसी का मतलब इसी का क्वेश्चन तो मैंने पहला दिन लिखा दिया ये हम लिखा रहा है जो लेबोरेटरी में तुमको करना है ओके सर ये लेबोरेटरी में कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो तुमको दिखा रहा है अभी मगर इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑल्सो इन थ्योरी इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड प्रोग्राम जो लिखा है ना वही प्रोग्राम मगर वो हेक्साडेसिमल के साथ लिखना पड़ेगा ओके तुम्हारा इधर किसी का कोड नाम नहीं दिए हो कोई सर का कोई नाम नहीं दिए हो जैसे हमको हमारा कुछ नाम नहीं दिया अभी तक झूठ बोल रूटीन में कोड रहता है अरे रूटीन में तो कोड है वो सब छोड़ो ना रूटीन का कोड तुम लोग खुद भी तो एक कोड जनरेट करते हो नहीं करते हो तो क्या तुम लोग इतना अच्छा स्टूडेंट हो भाई हमारा तो उतना अच्छा नहीं था हम लोग तो हर एक टीचर का नाम अलग अलग था हर एक स्टूडेंट का अलग अलग था जैसे एक एक को हम लोग माँ बोल के बुलाते थे एक को बाबा बोल के बुलाते थे एक को बेटा बोल के बुलाते थे ऐसा भी नाम था हमारा तुम्हारा क्लास में कुछ नहीं है तुम्हारा क्लास में एंटरटेनमेंट है ही नहीं फिर सिर्फ पढ़ाई 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 करके क्या होगा बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे क्या कुछ नहीं होगा एंटरटेनमेंट रखो किसी का कोई नाम है अरे तुम्हारे नाम बोलने का जरूरत नहीं है बोलो ना जैसे सर है सब लोग इसको ऐसा बुलाता है किसी का नाम नहीं है हेलो सर कहाँ टीचर ही नहीं है डिपार्टमेंट में अभी तो अरे दो टीचर ही नहीं है स्टूडेंट का तो नाम है ना उसी का भी नाम नहीं है
जो टीचर था उसका नाम है छोड़ो तुम लोग यू आर ए ग्रेट 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 स्टूडेंट आई एम नॉट ए ग्रेट स्टूडेंट राइट आई एम ए वेरी वेरी बैड स्टूडेंट सो आई एम जस्ट एक्सप्लेन यू मैंने अभी क्या बोला हमारा क्लास में एक स्टूडेंट का नाम क्या था क्या नाम था बाबा था एक माँ था एक बेटा था राइट सो दिस इज आवर ओन लैंग्वेज दिस इज आवर मशीन लैंग्वेज अभी सर के सामने हम लोग बोलते थे बाबा तेरा कॉपी हमको दिखाओ सर को समझ में आएगा किसको बोल रहे आएगा कि नहीं सर का कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि सर का तो पता नहीं है बाबा किसका नाम है क्लियर मगर हम लोग जो स्टूडेंट लोग है उसको पता है बाबा किसका नाम है इज इट क्लियर यस यस सर यस सर किसको बोलता है मशीन लेवल लैंग्वेज हर एक मशीन का अलग अलग लैंग्वेज होता है जैसे इधर में जितना सारा इंस्ट्रक्शंस है इसके लिए हर एक का अलग अलग कोड है देखो ये हेक्स कोड ये 00 से लेकर FF तक है इस पेज में कुछ है एंड नेक्स्ट पेज में कुछ है देखो FF तक गया है टोटल 256 इंस्ट्रक्शंस इसीलिए है इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा इज इट क्लियर इज इट क्लियर क्लियर हुआ कि नहीं बोलो हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग अलग कोड है हर एक इंस्ट्रक्शंस के लिए अलग अलग कोड है जैसे जैसे एग्जांपल के हिसाब से बोलेंगे इधर बोल रहा हूं मूव ए कॉमा बी के लिए एक कोड है तो मूव बी कॉमा ए के लिए और एक कोड है दोनों का अलग कोड है इज इट क्लियर मूव ए कॉमा बी के लिए क्या कोड है देखो ढूंढो क्या कोड है मूव ए कॉमा बी के लिए बोलो दिखाई नहीं दे रहा है 78 मूव ए कॉमा बी के लिए 78 है तो मूव बी कॉमा ए के लिए क्या है 47 ऐसा हर एक इंस्ट्रक्शंस का 47 तो मैंने ये कोड डालने से माइक्रोप्रोसेसर को पता चल जाएगा माइक्रोप्रोसेसर को क्या करना है हम लोग मूव बी कॉमा ए नहीं लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 47 78 तो माइक्रोप्रोसेसर को पता चलेगा माइक्रोप्रोसेसर को क्या करना है इज इट क्लियर इज इट क्लियर टू ऑल यस सर लेकिन सर ये सारा प्रैक्टिकल होगा तभी पता चलेगा क्यों प्रैक्टिकल होगा प्रैक्टिकल तुम्हारे घर में करोगे तुम्हारे पास कंप्यूटर है यस सर तुम आज असेंबलर डाउनलोड करना असेंबलर फॉर 8085 ठीक है 1,00,000 टाइप का असेंबलर ये में गूगल में है फ्री ऑफ कॉस्ट तुम डाउनलोड करो उधर प्रोग्राम लिखो ये हेक्स कोड सारा तुम करो प्रैक्टिकल तुम घर में बैठ के करो कोई किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा हम बोल रहे हैं सर फोन पे नहीं हो सकता फोन पे भी हो सकता है कोई कोई निकल गया होगा तुम एक बार देखो गूगल में जाकर सर्च करो तुमको एक एग्जांपल दे रहा है पिछला बार का एक ग्रुप था हमारे पास इसी का समझा ना ये फाइनल ईयर में समझ गया कि नहीं समझा ये बात नहीं समझ में आया नहीं सर समझ गया फिर
फिर क्या हुआ? यस सर, घर में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद तो हम है ना हेल्प करने के लिए। LDA 85008, अभी LDA के लिए कोड क्या है ढूंढ के निकालो, क्या है देखो तो। थ्री ए तो 3A तुम्हारा किधर से मिला? देखो इधर से मिला, दिख रहे हो सब? LDA के बगल में 3A लिखा हुआ है। यस सर नो? यस यस सर। यस सर। तो वेरी गुड, हम इधर देखो प्रोग्राम के बगल में हम 3A लिख दिया। मैंने थ्री एक डेफिनेशंस लिखाया, थ्री वाइड इंस्ट्रक्शंस को लिखे थे तुम लोग, एक बार खोलोगे कोई, एक बार बोलोगे क्या लिखे थे मैंने? वन बाइट, टू बाइट, थ्री बाइट का डेफिनेशन मैंने लिखाया था। बोल पाओगे कोई? नहीं लिखे हो क्या? इन थ्री बाइट इंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट बाइट स्पेसिफाइड फॉर द ऑपरेंड, सेकेंड बाइट स्पेसिफाइड फॉर द लोअर लोअर बोलो लोअर बाइट ऑफ ऑपरेंड, लोअर बाइट ऑफ ऑपरेंड, लोअर बाइट ऑफ ऑपरेंड। इसके अंदर 8500, इसके अंदर लोअर बाइट कौन सा है? 00, पोजीशंस के ऊपर, नॉट नंबर के ऊपर। 8586 भी रहता था तो भी 86 ही लोअर बाइट होता था, तो 8500 लोअर बाइट है 00, तो पहले 00 बैठेगा उसके बाद 85। अभी बोलो तो क्यों, हम थोड़ा बाद में समझाएंगे। राइट, 3A फॉर LDA, उसके बाद 00, उसके बाद 85। देखो इसी के लिए इसको हम लोग बोलते हैं 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। देखो 1 2 3 तीनों बाइट जगह चाहिए, इसीलिए मैंने तीनों मेमोरी लोकेशन छोड़ के रखे हैं इधर। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? अभी मूव डी कॉमा एम, देखो डी कॉमा ए, मिला है 57 सर। इसके बाद कोई नंबर है? नो सर। तो लिखने का जरूरत भी नहीं है सर, नंबर नहीं है तो लिखने का जरूरत कुछ नहीं है सर। नेक्स्ट LDA के लिए फिर से क्या होगा? LDA तो निकाल के रखा पहले, ठीक है, उसके बाद 01 01, उसके बाद 85। हाँ, नेक्स्ट एड ए 85, एड एड डी, एड डी कितना है? 82। नेक्स्ट एस टी ए, एस टी ए तुम लोग के पास बुक तो है, देखो तुम लोग। यस सर। बोलो होगा, देखो किधर है, देखे हो? देखे हो 32
यस सर 32 0086 ओके नेक्स्ट एचएलटी के लिए 76 इज इट क्लियर टू ऑल यस सर ये प्रोग्राम को हम लोग कैसे कंप्यूटर में पुट करेंगे मतलब हमारा ये में पुट करेंगे देखो प्रोग्राम विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 8100 इधर में हम पुट करेंगे 3A इसके बाद 8101 इसमें हम पुट करेंगे 00 8102 इसमें हम पुट करेंगे क्या पुट करेंगे बोलो 85 8103 इसमें हम लिखेंगे कितना 57 समझ में नहीं आ रहा कैसे लिख रहा है यस और नो में आंसर दो आ रहा है सर जो है किच नहीं इधर में जो है ये देखो ये जो प्रोग्राम में जो है ए एड्रेस से शुरू किया ये पूरा एक एक लिखते जा रहा है लिखते जा रहा है लिखते जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है इसके बाद क्या होगा 8104 में बोलो 3A उसके बाद बोलो 01 अच्छा अभी इसको हम चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि इसका हमारा जरूरत नहीं है तो ऐसे करके लिखते जा रहे हैं अभी देखो 8100 में जो 3A मैंने लिखा है उसके बाद 8101 में 00 लिखा है 8102 में 05 लिखा है अभी 8500 इसके अंदर A है लोअर बाइट A है हायर बाइट Not, ये जो 00 छोटा है 85 बड़ा है इसीलिए नहीं डिपेंड अपन द पोजीशंस डिपेंड अपन द पोजीशन 00 इज द लोअर बाइट 85 इज द हायर बाइट ऐसा भी होता था 8589 तब भी ए लोअर बाइट ही होता था ए हायर बाइट ही होता था इज इट क्लियर और नॉट इट्स क्लियर और नॉट यस पता चला सबको क्या बोला मैंने कोई डाउट है तो बताओ किसी का कोई डाउट है किसी का कुछ डाउट है मतलब फर्स्ट दो डिजिट को ए बी लिखना है और जो लास्ट नंबर जो दो डिजिट को एल बी लिखना है ना एल बी लिखना है ही एल बी मतलब लोअर बाइट हम लोग बंगाली में करते थे एकाक दशक शतक हजार ऐसे करके बोलते थे तुम लोग क्या बोलते हो पता नहीं है ऐसे करके पोजीशन बोलते थे ना हिंदी में क्या बोलते है पता नहीं है तो ये है लोअर बाइट ये है हायर बाइट डिपेंड अपन द पोजिशंस इफ नंबर लाइक ऐसा भी रहेगा 8589 तब भी ये लोअर बाइट इधर वाला जो रहेगा वो लोअर बाइट इधर वाला जो रहेगा वो हायर बाइट इज इट क्लियर यस सर यस सर तो देखो 8501 एंड 8102 इसमें कौन हायर है कौन लोअर है कौन बड़ा नंबर है कौन छोटा नंबर है बहुत इजी क्वेश्चंस किया सर 8102 बड़ा नंबर कौन है 8102 और 8101 8102 बड़ा नंबर हो गया बड़ा नंबर वेरी गुड सो बड़ा नंबर में हायर बाइट छोटा नंबर में छोटा बाइट हायर मेमोरी लोकेशंस हायर बाइट और लोअर मेमोरी लोकेशंस लोअर बाइट That is the concept of in whole 8085 microprocessor. Higher byte, higher memory locations, lower byte, lower memory locations. That is the concept in everywhere.
It's clear to you? Yes, sir. It's a higher locations, so it's a higher byte. It's a lower locations, it's a lower byte. ये याद रखना पूरा माइक्रोप्रोसेसर में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेगा 8085 के ऊपर पूरा जितना सारा है अभी पुश पॉप में तुम लोगों का बहुत कंफ्यूजन आएगा ये सिर्फ याद रखना हायर मेमोरी लोकेशंस शुड बी द हायर बाइट लोअर मेमोरी लोकेशंस शुड बी द लोअर बाइट इट्स क्लियर यस सर सर वेरी गुड नेक्स्ट Today we will be done another program. Write an assembly language program, which is add two number stored in 8500H and 8501H stored in 8500H and 8501H store the result in 8600H and store the carry in 8601H store the result in 8600H Store the carry in 8601H. And store the carry in 8601H. Okay. अभी ये प्रोग्राम हमको करना है पिछला प्रोग्राम के साथ इस प्रोग्राम का क्या डिफरेंस है कोई एक जन बताओ पिछला प्रोग्राम में क्या था इस प्रोग्राम में क्या था में क्या डिफरेंस है वेरी गुड कैरी का कॉन्सेप्ट इसका कैरी का कॉन्सेप्ट आया पहले में कैरी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो मान के चलो इसमें एक है डेटा ए बी इसमें है सी डी दोनों को ऐड करने से क्या होता है पहला दिन करवाया था यही ऐड करवाया था बोलो आएगा यस सर पहला दिन पहला एडिशन जाना yes. पड़ेगा दिखाना पड़ेगा तुम लोग क्यों बोलते sir. कुछ नहीं हो नो सर ये हमारा बहुत खराब लगता है भाई बोलो कुछ ऐसा हम बोलते रहेंगे तुम लोग चुपचाप बैठे रहोगे ऐसा नहीं अच्छा लगता हमको सेवेंटी 8600 में 78 रहेगा इधर में 01 रहेगा इनपुट आउटपुट समझ में आया कि नहीं आया बोलो इन दोनों नंबर को ऐड किया जो रिजल्ट है 78 है वो चला गया 8600 में जो कैरी है दैट इज 01 है वो आ गया 8601H में यही हमको करना है am I right yes sir Very good. अजय को मान के चलो इधर ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन में हम लोग क्लास ले रहे अजय को मैंने बोला अजय तुम हमारा क्लास में कितना स्टूडेंट है काउंट करके बोलो ठीक है अजय काउंट करके बोला 32 है सर तो मैंने काउंट किया मैंने देखा 20 है तो अभी बोलो किसका काउंटिंग ठीक है बोलो आपका सर हम नंबर देंगे इसीलिए ना नहीं अभी तो 20 है ही सर तो अजय भी तो 32 बोला अजय क्या काउंटिंग नहीं कर पाता है अजय का प्रॉब्लम क्या था कुछ प्रॉब्लम था काउंटिंग नहीं कर पाता ऐसा तो हम सुनेंगे नहीं अजय है क्या नहीं है ऑन करके चला गया सर माइक अजय तुम हो अरे तुमको लेकर हम एग्जांपल दे रहे हैं तुम तो कभी हाँ ना बोलो
बोलो सर, मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, तुम खुद को बोल रहे हो सर। मान लीजिए अगर अभी कोई अटेंडेंस में है और मान लीजिए अचानक कोई ऑफलाइन हो जाता है या चला भी जाता ना आ जाए, तुम हम शुरू किया था, मैंने बोला नहीं था शुरू हमको जीरो से करना है, हम शुरू किए से जीरो से, ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग हर एक टाउन काउंट करते हैं तो जीरो हमारा बेस पकड़ लेता है, उसके बाद 1 2 3 4 पकड़ते हैं, मगर तुम्हारा प्रीवियसली वैल्यू था 11 12। तुम जब पहला किसी को देखे हो जैसे सुदीप्त चक्रवर्ती तो तुम 13 काउंट किए हो, अजय कुमार महतो 14 काउंट किए हो, इसके बाद मान के चलो रोल नंबर 8 जॉय तुम 14 काउंट किए हो, काउंट तुम सही किए हो मगर तुम्हारा इनिशियल जो वैल्यू था दैट इज यू नो 12, बट माय इनिशियल वैल्यू इज 0। इज इट क्लियर टू यू सर? एवरीवन इज क्लियर कॉन्सेप्ट? यस सर। कभी हम लोगों को कैरी काउंट करना है, कभी कुछ काउंट करना है तो हम लोग इनिशियली कोई रजिस्टर्स को जीरो करेंगे, नहीं जीरो करेंगे तो पुराना जो वैल्यू है उसके ऊपर वो ऐड होते जाएगा, तो हम लोग ओरिजिनल वैल्यू हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज तो हम प्रोग्राम एक बार लिखाया था, जो लिखाया उसी प्रोग्राम को हम लिख रहे, देखो तुम लोग मत लिखो, बाद में लिखना, ठीक है, हमें लिखने दो उसके बाद। LDA 8500H move A,D LDA 8501H add D, ये आज लिखे ना सुबह में, ये थोड़ा देर पहले, ये प्रोग्राम पिछला दिन भी लिखा था। हाँ या ना? यस सर। ये क्या किया एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, पिछला दिन समझाया था, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। LDA 8500H मतलब 8500 का कंटेंट एक्युमुलेटर में ले लिया, मतलब ये जो AB था, ये जो 8500 में जो AB था उसको हम एक्युमुलेटर में स्टोर किया, 8500 में जो AB था उसको हम एक्युमुलेटर में स्टोर किया। इज इट क्लियर? मतलब इसके बाद हमारा एक्युमुलेटर में क्या होगा बोलो? ए भी रहेगा, मूव ए कॉमा डी, क्यों किया? क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम जो कर रहे हैं LDA 8501 कर रहे हैं तो एक्युमुलेटर में आ जाएगा CD। पहले क्या था AB, अभी आ गया CD, तो AB को तो सेव करना चाहिए, कोई दूसरा जगह में रखना चाहिए था, इसीलिए हम डी रजिस्टर में डी होगा ना है? सर MOVDA होता ना? हाँ DA होगा, exactly DA होगा, तो मैंने क्या किया इसको AB को D में स्टोर कर दिया, राइट? इसने क्या किया, यही किया, राइट? D में हम AB को स्टोर किया, एक्युमुलेटर कंटेंट चला गया D में। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? यस सर। सर अभी हमको कैरी के लिए कुछ चाहिए, तो कैरी के लिए मैंने एक रजिस्टर्स ले रहा है जिसका नाम दिया मैंने बी, MBI B,00H, इनिशियली मैंने उसको जीरो में स्टोर किया, राइट? इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। अभी देखो एट के बाद हम लगाएंगे JNC जम्प एट नॉट कैरी, ठीक, एट के बाद ही लगाना पड़ेगा, कैरी आएगा, कैरी नहीं आएगा तो जम्प करेगा, कैरी नहीं आएगा तो जम्प करेगा, और कैरी आएगा तो क्या करेगा, INR B करेगा, तो कैरी नहीं आएगा तो इधर जम्प करेगा, इधर में क्या करेंगे STA 8600H। ये थोड़ा तीन लाइन समझ में आया कि नहीं आया बताओ? नहीं सर। सर नहीं समझ, एक बार समझा, और किसी का समझ में आया? नो सर। नो सर, वेरी गुड सर, यही है कॉल का प्रोग्राम का, बढ़िया से समझो। आफ्टर एट डी आई एम चेकिंग द कैरी फ्लैग,
After add D, I am checking the carry flag, right? JNC कर रहे, is it clear? JNC करके इधर से हम इधर jump कर रहे, इधर से हम इधर jump कर रहे, is it clear? Carry नहीं आएगा तो jump करेगा इधर, और carry आएगा तो क्या होगा? Jump करेगा? B में नहीं jump करेगा, मतलब A line execute करेगा, इस line में आएगा, B will be increased by one, increase मतलब B में क्या था पहले? जीरो, अभी क्या होगा? जीरो वन, is it clear? Carry आएगा तो ये line execute होगा, carry नहीं आएगा तो इधर से jump करके इधर चला जाएगा, तो B में क्या रह जाएगा? जीरो इधर से जंप करके इधर चला जाएगा तो ये line तो execute ही नहीं करेगा, तो B में क्या रह जाएगा? जो पहले था वही होगा, जीरो वही होगा, मतलब जीरो जीरो, मतलब कैरी नहीं आएगा तो इस लाइन में बी में जीरो जीरो रहेगा, कैरी रहेगा तो इस लाइन में बी में जीरो वन रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ सर, हाँ सर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐड करने के बाद इधर कैरी फ्लैग सेट भी हो सकता है, जैसे इस एडिशन में जो मैंने एडिशन अभी दिया है इसमें तो कैरी फ्लैग सेट होगा, मगर नंबर यही रहेगा ऐसे तो हम बोल नहीं सकते, दूसरा नंबर भी हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। तो दूसरा नंबर में कैरी होगा कि नहीं होगा वो तो हमको पता नहीं है, कैरी होगा तो 01 स्टोर करना है, कैरी नहीं होगा तो 00 स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे? तो एड होने के बाद ही हम देखो कैरी फ्लैग को चेक किया, कैरी फ्लैग सेट नहीं है तो इधर से जंप करके इधर चला जाएंगे, ए लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ए लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा जब कैरी फ्लैग तुम्हारा जीरो रहेगा, राइट? अभी मान के चलो कैरी फ्लैग इज वन, देन क्या होगा? देन क्या होगा? कैरी फ्लैग वन रहेगा तो JNC jump at not carry condition satisfied कर रहा है, carry flag तो set है, condition satisfied कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, jump at not carry, carry flag set ना होने से jump करना है, अभी carry flag set है तो condition satisfied नहीं कर रहा है तो jump नहीं करेगा, तो इधर से next line जो है उसको execute करेगा, 10 point मिला है तो इधर से fourth year में चला जाएगा, नहीं मिला है तो थर्ड ईयर में ही जाएगा, नेक्स्ट जैसा स्टेप है ऐसे ही जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा INR B में, B को इंक्रीज करेगा, इज इट क्लियर? यस सर। कोई किसी का डाउट है? बोलो सर, जे टी यूज कर सकते हो? जेन बी जे और टी, जंप ऑन कैरी, जंप ऑन कैरी करने से क्या होगा? कैरी होने से जंप करेगा तो ये लाइन अपने आप ऐसा ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो कैसे होगा? तुमको कैरी फ्लैग चेक करना है, कैरी फ्लैग सेट होने से हमको बी को इंक्रीज करना है, कैरी फ्लैग रिसेट होने से हमको कुछ नहीं करना है, कैरी फ्लैग रिसेट होने से हमको कुछ नहीं करना है, तो इसीलिए कैरी आएगा तो जंप करेगा ना सर? कैरी आएगा तो जंप नहीं करेगा, नहीं करेगा, कैरी नहीं आएगा तो जंप करेगा, हम लगाया क्या? JNC jump at not carry, carry ना आने से jump करेगा, और carry आने से क्या होगा? B को एक बढ़ाएगा, B will be one, is it clear or not? नहीं होने से बताओ, हम बोलेंगे यार सर। और स्टोर द कैरी करेंगे, करेंगे बाबा, अभी तक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, ऑल्ट नहीं लिखे मैंने, ये तीनों लाइन समझ में आया कि नहीं आया बोलो? वैसा सर, स्टार मार्क मतलब उसको सिंबलाइज करता है, स्टार मार्क कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, एससी लिख सकते हो, जो इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये थियोरेटिकल प्रोग्राम, प्रैक्टिकल प्रोग्राम में इसीलिए मैंने ये एड्रेस लिखाया था, ऐसे करके एड्रेस लिखना है, इसका पहले जो एड्रेस होगा, इसका पहले जो एड्रेस होगा वो इधर लिखना है,
प्रैक्टिकल प्रोग्राम में, राइट? हम कल इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम दिखाएंगे कैसे लिखना है, ठीक है? अभी छोड़ो, अभी थियोरिटिकल में हम लोग स्टार दिखाएंगे, इधर से इधर जंप करेगा, इसलिए इधर स्टार इधर स्टार। हम एससी भी लिख सकते हैं, एससी, एससी मतलब एससी मतलब क्या है? बुद्धू गाय का हमारा नाम सिद्ध चक्रवर्ती, समझ में आया कि नहीं? यस सर। तुम लोग इतना क्यों दिमाग लगाते हो भाई, पढ़ाई में उतना दिमाग नहीं चाहिए? तुम लोग सोच लिया एससी मतलब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कभी ये सोचा था एससी मतलब हमारा भी नाम हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट सर। सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता था। सैंपल ऐसे सेलिंग प्राइस बोल रहे सर। मतलब हम तो हम क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? हमारा नाम का हमारा ज्यादा पसंद है तो हम हमारा नाम में ऐड करेंगे ना, इसलिए हमारा नाम लिखा एससी। इज इट क्लियर? यस सर। Can I proceed for the next? देखो, accumulator का result 86 में स्टोर हो गया, मतलब A78 स्टोर हो गया। अभी 01 को स्टोर करना है। 01 किधर है? सर B में। B में, very good। तो क्या करना है सर? Move A comma B। B से A में आ जाएगा। Is it clear or not? B में था carry? क्योंकि बी कैरी आने से बी इंक्रीज करेगा। इस तीनों लाइन से हम बोल सकते हैं कैरी आने से बी इंक्रीज करेगा, एक होगा, कैरी नहीं आने से जीरो जीरो होगा। जो भी है बी में कैरी है, am I right? वो आ जाएगा एक्युमुलेटर में। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर? अभी इसके बाद क्या करना है? एस टी है 86 8601 H, clear to all? Yes sir. मैं next दिन इस program का memory location के साथ hex code का लिखेंगे। उसके लिए तुम लोगों को जो करना है, hex code का chart अलग से रख देना है, either print out करो नहीं तो कोई दूसरा mobile से देखो, तो वो hex code का chart सामने रखना तो सुविधा होगा। तुम लोग घर से भी लिख सकते हो। मान के चलो ये program हम 8200 से लिख रहे हैं। लिखो, देखते हैं तुम लोग कैसे लिखते हो। इसको 3 बाइट पकड़ना, जेएनसी, जेएनसी 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस होगा। इसको पकड़ के ऐसे करके एड्रेस लिखना, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। कल के कल फिर 2 बजे से क्लास होगा, होगा कि नहीं? ओके सर। मन तो नहीं है सर, अब बोल रहा है इसलिए करना है, है कि नहीं? हाँ बोलो, इतना चुपचाप रहने से कैसे होगा? अरे मैं साइलेंट हाँ, क्लास तो करना होगा सर। क्लास करना होगा सर, सीखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल पड़ेगा। तुम्हारा सर का तो सिलेबस कितना जल्दी खत्म हो गया था, हमारा तो खत्म ही नहीं होता है, यही तो सबसे बड़ा मुश्किल है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, खत्म मत होने दीजिए। हाँ